माननीय मुख्यमंत्री जी शायद ये भूल गए हैं कि बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र की शुरुआत वैशाली बिहार से ही हुई थी और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति जो आज़ादी है, जो डेमोक्रेटिक एक राइट है, वो लोगों को मिला है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी। आप जो हैं सरकार के खिलाफ कोई बोले ना, अगर भ्रष्टाचार हो रहा तो क्यों ना कोई बोले। अगर कहीं कोई विभाग में या कोई मंत्री अगर गड़बड़ी कर रहा है तो कोई क्यों ना बोले। आप अगर अच्छा काम करेंगे तो लोग क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, और समाजवादी नेताओं को क्रिटिसिज्म से डर किस बात का। तो हम तो देखिए पहले से ही कह रहे हैं कि ये डबल इंजन की सरकार आने के बाद जो है लोकतंत्र खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, और बार बार हमने इस बात को कहा है। आप बताइए गर्दनी बाग जो धरना स्थल है, जो सरकार ने चिन्हित किया है, धरना भी आप नहीं देने दे रहे, वहाँ भी लाठी मार के भगा रहे हो, और आप जो है सोशल मीडिया पे अगर सरकार का, उनके मंत्रियों का, उनके अधिकारियों का, उनकी नीतियों का, उनके स्कीम्स का, सरकारी स्कीम्स का, योजनाओं का अगर कोई क्रिटिसिज्म अगर करे तो इसमें बुरी बात तो है नहीं। तो ये कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार जी को डर किस बात का है, किस बात का खौफ है। और इनसे साफ तौर पे आप देख सकते हैं, अगर बिहार में ऐसी घटना हो रही है जो कि लोकतंत्र की जननी है, ये तो पूरा माखौल उड़ाने की बराबर है। ये तो माखौल उड़ा रहे हैं खुलेआम। इस कानून को तो अविलंब जो है सरकार को वापस लेना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये मुख्यमंत्री के निर्देश पे ही ये प्रस्ताव जो है दिया गया कानून बनाने का, और कानून बना। नीतीश कुमार जी को ये बात समझना पड़ेगा कि आप किसी के मुंह में ताला नहीं लगा सकते, आप किसी को उसके अधिकार से वंचित नहीं रख सकते। ये बात उनको समझनी पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन ने तीसरी नंबर की पार्टी बना दी, लेकिन आप तो वाकई में चौथी नंबर की पार्टी थे, अभी वैसाखी पर है। और इस तरह का काम अगर करते रहेंगे तो जनता ऐसा जवाब देगी कि विलुप्त हो जाएंगे नीतीश कुमार जी, और उनका इतिहास के पन्ने में भी कहीं नाम नहीं मिलेगा। गलतियों को जग जाहिर करना क्या अपराध कहलाएगा? गलतियों को जग जाहिर करना क्या अपराध कहलाएगा? सूबे में अपराध बढ़ा है, सूबे में भ्रष्टाचार बढ़ा है, लोगों का अधिकार छीना जा रहा है। लोग अब RCP टैक्स के बारे में बात करते हैं, हमने तो खुल करके ट्वीट किया है। हम आज भी कह रहे हैं, एडी के चोटी पे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। अगर उनको लगता है तो सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।